हाय गाइज, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए अपडेट के बारे में, जो कि 17.4 का नया लेटेस्ट अपडेट रिलीज़ होने वाला है कुछ ही दिनों में, और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलिंग टिप्स की, जो कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपको ज़रूर परफॉर्म कर लेनी चाहिए अपने डिवाइसेस के ऊपर, ताकि आपको कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्रैशिंग इशू देखने को ना मिले, और ना ही आपके आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो कम हो, और साथ में आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो भी बिल्कुल बढ़िया काम करता रहे। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जो कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपको परफॉर्म करनी है। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। सबसे पहले गाइज, इस अपडेट का आप साइज़ चेक कर सकते हो। अभी एप्पल ने इसका RC अपडेट जो है वो रिलीज़ किया है। RC अपडेट का जो साइज़ है वो 6.12 GB है। ये जो अपडेट है RC अपडेट, वो स्टेबल अपडेट के मुकाबले में सेम होता है। आप दोनों में से किसी भी अपडेट को यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें जो फीचर्स रहते हैं वो भी सेम आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्टेबल अपडेट में एप्पल आपको प्रोवाइड करता है। बस इस अपडेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्योंकि सारा का सारा iOS वर्जन जो है वो रीइंस्टॉल होता है। इसलिए ये जो RC अपडेट्स होते हैं, बीटा अपडेट्स होते हैं, उनके साइज़ जो हैं वो बड़े ही रहते हैं। तो इसके साथ आपको अपने डिवाइस में कुछ फ्री स्पेस अवेलेबल करनी पड़ेगी इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप RC अपडेट को यूज़ करना चाहते हो अपने डिवाइस पे, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बस उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 20 GB तक की जो फ्री स्पेस है वो अवेलेबल रखनी पड़ेगी अपने डिवाइस के ऊपर इसको इंस्टॉल करने से पहले, वरना आप इसका स्टेबल अपडेट भी इंस्टॉल कर सकते हो। उस अपडेट का साइज़ जो है वो इतना बड़ा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो स्टेबल अपडेट होते हैं वो इतने बड़े साइज़ में नहीं होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 20 GB तक की फ्री स्पेस अवेलेबल करनी पड़ेगी अपने डिवाइसेस के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको वाईफाई कनेक्शन को यूज़ करना है, अपने मोबाइल डेटा को यूज़ नहीं करना है। अगर आप मोबाइल डेटा को यूज़ करोगे इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट हो सकता है और आपकी बैटरी हेल्थ भी कम हो सकती है। थर्ड नंबर के ऊपर जो सबसे मेन बात है वो है आपकी बैटरी लेवल। आपका जो बैटरी लेवल है वो 80+ होना चाहिए इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी बैटरी हेल्थ से रिलेटेड ड्रॉप इशू देखने को ना मिले। अगर आप चार्जिंग के ऊपर सेट करके अपने डिवाइस को अपडेट करोगे, उस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि अपडेट भी चल रहा होता है अपने डिवाइस पे और चार्जिंग भी हो रही होती है, दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसके साथ आपका डिवाइस सबसे ज़्यादा हीट करता है। इसलिए पहले ही प्रिपेयर करके रखें अपने डिवाइस को इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने डिवाइस के ऊपर। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पर बात आती है, आपको अपने मोबाइल की डेट एंड टाइम को मैच करना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको टाइम एंड डेट के ऊपर जाकर सेट ऑटोमेटिकली को ऑन कर देना है, ताकि जब भी एप्पल इसका स्टेबल अपडेट रिलीज़ करे, आपको उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाए सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, और आप इस अपडेट को इजीली इंस्टॉल कर सको अपने डिवाइस के ऊपर बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टॉलिंग टिप्स हैं, जिसके साथ आप इजीली इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसी भी आईफोन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।